मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि अपने पैशन को कैसे ढूंढें, या फिर उनकी समस्या ये होती है कि उनको उनका पैशन पता नहीं है और इसलिए वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने पैशन को नहीं ढूंढ सकते, आपका पैशन आपको ढूंढता है। अगर आपको अपना पैशन पता है तो उस पर आप काम करिए, लेकिन अगर आपको पैशन पता नहीं है तो घर पर मत बैठिए। आप कुछ भी करिए, पर करिए। आप सेल्समैन बन जाइए, आप वेल्डर बन जाइए, आप ड्राइवर बन जाइए, आप ऑफिस में जॉब करिए। आपको जो भी काम मिले या जो भी काम आपको करने का मन हो वो करिए, पर पैशन की तलाश में फालतू घर पर मत बैठिए। आप कुछ ना कुछ करते रहिए और आपका पैशन आपको ढूंढ लेगा। मुझे पता है आप मेरी बात पर बिना सबूत के यकीन नहीं करेंगे, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ। अक्षय कुमार का पैशन आज फिल्में हैं, लेकिन फिल्मों में आने के पहले उनका पैशन मार्शल आर्ट था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिल्मों में जाएंगे। महात्मा गांधी ने वकालत करी थी, लेकिन देश सेवा का पैशन उन्होंने अपनी आधी उम्र जीने के बाद पाया था। रोनाल्ड रेगन अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपतियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत एक्टिंग से की थी और अपने पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत 43 साल की उम्र के बाद करी थी। मार्क जुकरबर्ग का पैशन आज सोशल नेटवर्क है, लेकिन वो एक वक्त सिर्फ कोडिंग करते थे और उनका पैशन उनको बाद में मिला था। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी सर्च करेंगे तो ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पैशन ने लोगों को ढूंढा था और वो लोग सफल भी हुए। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना पैशन पता नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो आप परेशान मत होइए। खाली बैठने के बजाय कुछ ना कुछ करते रहिए, तब आपका पैशन आपको ढूंढ लेगा। और यही आज का 1 मिनट विजडम है। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको रोज ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।